एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू कांस 2K19 सीरीज़। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये ऐश्वर्या राय बच्चन का कांस 2K19 का लुक। सो आई होप आपको ये ऐश्वर्या राय बच्चन का इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है द ड्रॉप्स ऑफ लाइट बॉडी शॉप का मॉइस्चराइजर, वन ऑफ माई करंट फेवरेट मॉइस्चराइजर। अपने फेस पर अप्लाई करके मैं ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी फेस एंड नेक पे, और ये बहुत ही हेल्दी लुकिंग लगता है फेस पे। ऑल राइट, नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर के लिए ले रही हूँ ये पर्पल का गोल्ड प्राइमर, और इसे मैं ब्रश की हेल्प से अगेन अप्लाई कर लूँगी। और ये काफ़ी मैटिफाइंग प्राइमर है क्योंकि मेरा फेस काफ़ी ड्यूई लग रहा था, बट जैसे मैंने इसे अप्लाई किया फेस इंस्टेंटली मैट हो गया। और उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया ये रूट कॉस्मेटिक का ड्रबल ट्रबल फाउंडेशन। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड जस्ट इग्नोर माई यू नो डांसिंग वाला लुक क्योंकि मैं यहाँ पे सॉन्ग सुन रही थी। तो ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है और मैट है, सो इसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्ट ले लिया है और इसे मैं अपने फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, और मैंने इसे ब्लेंड किया है रियल टेक्निक के बफिंग ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीलर लिया है मैंने, और ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, और उसे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन काफ़ी कवरेज वाला था। बस मैंने अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे लाइक हाईलाइट करने के लिए अप्लाई किया है और आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट उसे सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट इन द शेड पर्ल, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट कॉम्पैक्ट है, बजट फ्रेंडली भी है। सो अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया। नेक्स्ट मैं कलर बार मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ ताकि जो भी पाउडरीनेस है और जो भी मेल्ट चाहती हूँ मेरा स्किन में मेकअप स्किन में मेल्ट हो जाए। नेक्स्ट आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का ये ब्लैक जेल काजल। बहुत ही इंटेंस ब्लैक काजल है ये, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ लोअर वाटर लाइन में, और उसके बाद कलर बार स्मजिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसे स्मज कर लूँगी ताकि एक सॉफ्ट लुक आए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये इन कलर का बेग्ड आई शेडो, ये सिल्वर ग्रेश सिल्वर आई शेडो है। तो इस लुक में ऐश्वर्या राय की भी आईज़ पे कुछ सिल्वर कलर का शेड था, तो मैंने इसलिए इसे अप्लाई किया अपनी पूरी आईलिड पे। और उसके बाद सेम पर्पल जेल काजल को ले रही हूँ मैं, और अपने लैश लाइन के क्लोज एज अ बोल्ड विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, पर मैं विंग ज़्यादा नहीं निकालूंगी। और उसके बाद मैं सेम ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी एक स्मोकी एंड स्मजी लुक के लिए। बट इस लुक में बहुत ज़्यादा स्मोकी एंड स्मजी लुक नहीं है अपर लैश लाइन के क्लोज। फिर मैंने मिलाने के आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेड लिया है एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पे जो भी काजल अप्लाई किया उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये फेसेस का आईलाइनर, ब्लैक आईलाइनर, और सिर्फ मैं एक बोल्ड विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, बट विंग को ज़्यादा नहीं निकालूंगी। As you can see कि मैंने किस तरीके से अप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पे फॉल्सीज अप्लाई की एंड शुगर का मस्कारा लिया है। अपनी लैशेस को मिक्स कर रही हूँ मैं फॉल्सीज के साथ, बट ये फॉल्सीज मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो मैं इसे चेंज कर लूँगी, बट वो मैं ऑफ कैमरा करूँगी तो आपको पता नहीं लगेगा। और उसके बाद मैं अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के डबल साइडेड काजल से। एक साइड यहाँ पे आपको आई शेडो मिलता है और एक साइड आई लाइनर, तो सिल्वर आई शेडो की हेल्प से मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी क्योंकि इस लुक में भी ऐश्वर्या राय का फेस काफ़ी सिल्वरिश एंड ड्यूई सा है। तो इनर कॉर्नर को हाईलाइट करके एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद मैं नेक्स्ट फिल करूँ अपने ब्राउज़ को। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये करीना कपूर खान कलेक्शन में से आईब्रो पेंसिल, जिसमें मेरा शेड है ग्रे, और काफ़ी अच्छी आईब्रो पेंसिल है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, बहुत नेचुरल फिनिश देती है, ब्राउज़ को बहुत जल्दी फिल कर देती है। तो उसकी हेल्प से मैंने अपनी ब्राउज को फिल किया है। नेक्स्ट मैं एक स्मॉल ब्रश है ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, और काजल को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखाऊंगी मैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत नोज़ के साइड में भी सेट कर लूँगी क्योंकि मैंने जो फिंगर की हेल्प से टच किया था वहाँ से थोड़ा सा मेकअप स्लिप हो गया था। नेक्स्ट ब्रॉन्जर के लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का अल्ट्रा ब्रॉन्ज पैलेट, और उसमें से मैं डार्क ब्रॉन्जर शेड लेके अपने फेस को ब्रॉन्ज करूँगी थोड़ा सा वार्म लुक देने के लिए। नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी। ब्लश के लिए मैंने लिया है फेसेस का HD अल्टाइम प्रो गो हाईलाइटर, लाइक ये ऑरेंजी हाईलाइटर है, बट ब्लश का काम बहुत अच्छा करता है। उसके बाद हाईलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन में से ये वाला शेड, जो कि एक हाईलाइटिंग शेड है, और अपने फेस को हल्का सा हाईलाइट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा यू नो ड्रामा है, ग्लिटर है, तो इसलिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है कलर पॉप की लिपस्टिक, ये लिपस्टिक्स हैं,
और इसमें ये लाइट पिंक शेड है, लाइक यू नो काफ़ी रोजी सा एंड ब्लू टोन का ये पिंक कलर है, और उसको टोन डाउन एंड ग्लॉसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का लिप ग्लॉस इन द शेड स्ट्रॉबेरी, क्योंकि काफ़ी वेट लुक है लिप्स का इस लुक में। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ कलर बार मेकअप सेटिंग स्प्रे के हेल्प से, और उसके बाद मैंने हाई बन एंड ज्वेलरी पहनने के बाद अपने लैशेस को भी चेंज कर लिया, एंड हियर इज़ द फाइनल फिनिश लुक। सो आई होप आपको ये कांस 2K19 ऐश्वर्या राय बच्चन इंस्पायर लुक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।